तो दोस्तों फाइनली एप्लीकेशन को लेकर आ चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में आज हम बात करने वाली हैं और इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि यहां पर सारी चीजें हम लाइव प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूं। अगर आप इस एप्लीकेशन से कभी लोन अमाउंट्स लिए हैं तो किस तरह से रिपेमेंट कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और साथ साथ ये बताऊंगा कि मुझे यहां पर कितने की लिमिट्स मिली है और किस तरह से रिपेमेंट कर सकते हैं, सारे चीजें लाइव कवर करूंगा। और साथ साथ ये बताऊंगा किस तरह से यहां पर लाइव अप्लाई किए जाते हैं और किस तरह से लाइव अप्रूवल ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूं उम्मीद और आप देख रहे हैं टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आने पे वीडियो को करिएगा लाइक, हमारे चैनल पे पहली बार आया तो करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनल आ चुके हैं मोबाइल फोन के स्क्रीन। तो आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और इंपॉर्टेंट होने वाली एप्लीकेशन उन भाई लोगों के लिए जो मैक्सिमम लोन की डिमांड करते हैं। चलिए बात करते हैं वो कौन सी एप्लीकेशन है, किस तरह से यहाँ पर आधार पैन के ऊपर यहाँ पर लोन अमाउंट ले सकते हैं, इजीली तरीके से इसकी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप इस एप्लीकेशन से कभी लोन अमाउंट लिए हैं तो किस तरह से रिपेमेंट करेंगे, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में देखते हैं वो कौन सी एप्लीकेशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और किस तरह से इस एप्लीकेशन से लोन लिए तो किस तरह से रिपेमेंट कर सकते हैं, सारे चीजें कवर करने वाला हूं। लाइफ विद प्रूफ साथ इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से यहाँ पर लिमिट्स हमें मिली है और कितनी की यहाँ पर लोन लिमिट्स मिलने के बाद किस तरह से मैंने लोन अमाउंट को निकाला था। चलिए सारी जानकारी इस वीडियो में लाइव विथ प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये है एप्लीकेशन किस्त और इस किस्त एप्लीकेशन के जरिए से मैक्सिमम 30,000 रुपये तक का लोन अमाउंट ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं 30,000 रुपये लोन लेने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर आधार पैन के ऊपर ये एप्लीकेशन काम करती है और 30,000 रुपये तक का बीच में कोई भी लिमिट्स आपको दे दिया जाता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं मुझे यहाँ पर 4,533 रुपये मुझे यहाँ पर लोन रिपेमेंट्स करना होगा क्योंकि मैं यहाँ पर ऑलरेडी लोन ले के रखा हूँ। दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया था कि लाइफ विद प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊँगा कि मुझे कितने के लिमिट्स मिले और किस तरह से यहाँ पर लोन रिपेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मुझे 4,500 रुपये की लिमिट तो मिली थी, लेकिन उसके अंदर में यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस लोन अमाउंट को लेने के लिए प्रोसेसिंग फी मुझे यहाँ पर 450 रुपये देने पड़े थे। GST में यहाँ पर देख सकते हैं 18% 81 रुपये देने होंगे और यहाँ पर देख सकते हैं ड्यू डेट की बात करूँ तो यहाँ पर 11 दिसंबर को मुझे यहाँ पर रिपेमेंट करना होगा। और फिर इंटरेस्ट रेट की बात करूँ तो 33 रुपये यहाँ पर चार्ज किया गया था और मेरे बैंक खाते में आए थे 3,969 रुपये। देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डिटेल्स में बता दे रहा हूँ। अगर आप लेट फी पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखते हैं 3.5% आपको EMI के साथ आपको पेमेंट करनी होगी। आपके बैंक खाते में आए थे 3,969 रुपये और पेमेंट करना होगा 4,533 रुपये, वो भी 11 दिसंबर को। चलिए हम इससे पहले हम यहाँ पर पेमेंट करके आपको बताएंगे किस तरह से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, उसके बाद हमको बताएंगे किस तरह से लाइव अप्लाई किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम पे वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको बता दूं अगर यहाँ पर पेमेंट करते हैं टाइम टू टाइम तो आपके यहाँ पर लिमिट्स भी आपकी बढ़ जाती है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं टू अनलॉक द हायर क्रेडिट पे। ठीक है, तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आपको कई तरह का आपको यहाँ पर मेथड मिल जाता है, जैसा कि स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं। आप पहले आपको तो डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट के जरिए से अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपसे यहाँ पर कन्वेंस फी के रूप में आपसे यहाँ पर चार्ज किया जा रहा है, जैसा कि स्क्रीन के सामने देख सकते हैं 68 रुपीज़। और यहाँ पर बैंक ट्रांसफर अगर आप करेंगे, बैंक वाले डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इनके नॉर्मली आप यहाँ पर इनके सारे बेनिफिशियरी, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट टाइप, ब्रांच, ये सारी चीज़ यहाँ पर कॉपी करके आप मैनुअली NFT कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको डिटेल्स में बताएंगे, अगर आप बैंक ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको गूगल पे या फिर फ़ोन पे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। और हम यहाँ पर पेमेंट्स करने वाले हैं UPI के जरिए से। चलिए ठीक है, तो दोस्तों UPI के जरिए से पेमेंट करने वाला हूँ और डिटेल्स में आपको बताएंगे किस तरह से यहाँ पर UPI के जरिए से पेमेंट कर सकते हैं, आपको कोई भी एक्स्ट्रा फी आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं UPI ID यहाँ पर शो हो रही है इनका और यहाँ पर इसे कॉपी कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट UPI ID। ठीक है, तो ये किस्त वाले एप्लीकेशन का यहाँ पर देख सकते हैं UPI ID, इसे यहाँ पर सिंपल इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप जिस जरिए से आप पेमेंट करना चाहते कर सकते हैं, मैं यहाँ पर फ़ोनपे के जरिए से पेमेंट करने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर फ़ोनपे एप्लीकेशन ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको करना क्या, टू कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन में आपको जाना है और ऊपर में सर्च बार आपको दिख रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो मैं यहाँ पर जो मैंने कॉपी किया है यहाँ से मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, तो इस तरह से आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये हाईलाइट हो चुका है नीचे में, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस्त लोन और इनकी UPI ID है और इसी को आपको सिंपल सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जो रिपेमेंट आपको करनी होगी वो आपको यहाँ पर अमाउंट डाल देना है, जैसे कि यहाँ पर मेरी थी 4,533 और यहाँ से आपके जो बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं उसे आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए मैं इसे पहले पेमेंट करके आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ कि किस तरह का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। पहले तो यहाँ पर सारी चीज़ें सेंड कर जैसे करते तो आपको UPI के जरिए से पेमेंट करना होगा और स्क्रीन के सामने देख सकते हैं ट्रांजेक्शन यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुकी है। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो चुकी है। अब चलते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर में, यानी कि किस्त एप्लीकेशन के अंदर में जाएंगे और देखेंगे वहाँ मुझे कितने की लिमिट्स मिली है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं किस्त एप्लीकेशन को दोबारा ओपन करूँगा। तो फाइनली यहाँ पर एप्लीकेशन को मैं ओपन कर ले रहा हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पर पेंडिंग शो हो रही है। तो थोड़ी सी आपको यहाँ पर वेट करना पड़ सकता है क्योंकि आपने अभी अभी पेमेंट सक्सेसफुली यहाँ पर किया है, तो आपको थोड़ी सी अपडेट लेने के लिए आपको थोड़ी सी समय यहाँ पर देनी पड़ेगी। और फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी ये गोइंग ऑन चल रही है लोन, क्योंकि मैंने यहाँ पर पेमेंट तो कर दिया लेकिन अपडेट अभी नहीं मिली है। तो थोड़ी सा आपको यहाँ पर समय देना होगा, 15 से 20 मिनट के अंदर में अप टू डेट आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर और व्यूअर की तरफ से कमेंट आ रहा था, सर मैंने पेमेंट कर दिया लेकिन मुझे अप टू डेट नहीं मिली एप्लीकेशन के अंदर, या फिर किस तरह कोई मैसेज नहीं मिला है कि मुझे यहाँ पर सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका है। तो दोस्तों इस बात का हमेशा टेंशन मत लीजिए, आपको अप टू डेट हो जाएगी, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है जैसा कि स्क्रीन सामने देख सकते हैं। अब दोबारा दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने वेट कर लिया, 15 से 20 मिनट के बाद अपडेट हो चुकी है मेरी एप्लीकेशन और मैं आपको बता दे रहा हूँ डिटेल्स में कि मुझे यहाँ पर कितने की लिमिट्स मिली है। तो थोड़ी सी आप यहाँ वीडियो को थोड़ा सा मैं स्किप कर दे रहा हूँ क्योंकि 15 मिनट के बाद आगे के वीडियो में आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसी एप्लीकेशन अप टू डेट हो जाती है 15-20 मिनट के बाद, यहाँ पर देख सकते हैं वेलकम ऑन बोर्ड का यहाँ पर आ रहा है और फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं 4850 रुपए की मुझे लिमिट मिल चुकी थी। पहले फर्स्ट टाइम मुझे 4000 की लिमिट्स मिली थी, उसके बाद 4500 रुपए की, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 4850 रुपए की ही लिमिट्स मिली है जैसा कि स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। तो सारी चीज़ यहाँ पर मैंने लाइव रिपेमेंट्स करके बताया और ये जेन्युइन एप्लीकेशन है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ी सी आपको वेट करना पड़ सकता है क्योंकि आप जैसे आप यहाँ पर लोन रिपेमेंट्स करते हैं तो अप टू डेट होने में थोड़ा सा समय लगता है दोस्तों, थोड़ी सी वेट आप जरूर कर लीजिए। ये बहुत ही बढ़िया और जेन्युइन एप्लीकेशन है। ये पहले EMI के जरिए से कोई भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते थे लेकिन फाइल यहाँ पर एप्लीकेशन ये लोन भी देना शुरू कर गई है। अगर इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ वीडियो बनाया हूँ, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वो वीडियो जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फाइल आपके सामने मैं यहाँ पर लोन रिपेमेंट करके बताया है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही जेन्युइन एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो बेशक ले सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपके सामने लाइव विथ प्रूफ पेमेंट के साथ काफ़ी वीडियो आती है। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जरूर चेकआउट कीजिए। तो दोस्तों लोन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए से कैसे लोन अमाउंट अपने पेटीएम वॉलेट से या फिर किसी बैंक अकाउंट में ले सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेकआउट कीजिए। दोस्तों अगर आप स्टूडेंट है या फिर सैलरीड पर्सन या फिर सेल्फ एम्प्लॉय है तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह से आधार कार्ड और सिर्फ पैन कार्ड के जरिए से लोन अमाउंट इजीली ले सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेकआउट जरूर कीजिए। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नए एप्लीकेशन के साथ, आज के वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।